एक मई से उपलब्ध होगी रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई चर्चा। ये मोदी ने ट्वीट करके कहा, दोस्त पुतिन से बेहतरीन चर्चा हुई, कोरोना से लड़ाई में रूस की मदद का धन्यवाद। पीएम मोदी ने की रूसी वैक्सीन की तारीफ, कहा स्पुतनिक वी वैक्सीन कोरोना से लड़ाई में मानवता के लिए मददगार। पीएम मोदी का ट्वीट, दोनों देशों में द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा। रूस और भारत के बीच होगी 2+2 बातचीत, भारत और रूस के रक्षा और विदेश मंत्री करेंगे शिरकत। पीएम मोदी ने वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया से की मुलाकात, कोरोना राहत के लिए वायुसेना से ली ऑपरेशन की जानकारी। प्रधानमंत्री ने वायुसेना प्रमुख से कहा, ऑक्सीजन और जरूरी सामानों की आपूर्ति तेज हो। वायुसेना अध्यक्ष आरकेएस भदौरिया ने प्रधानमंत्री से कहा, कोरोना राहत कार्य में 24 घंटे लगी है एयरफोर्स। ऑक्सीजन की किल्लत के बीच बड़ी खबर, वायुसेना ने 26 ऑक्सीजन टैंकर विदेश से एयरलिफ्ट किए। पीएम मोदी ने पीएम केयर्स फंड से 1,00,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स खरीदने की दी मंजूरी, उच्च स्तरीय बैठक के बाद लिया गया फैसला। 18 प्लस के वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन शुरू 1 मई से, 18 साल के ऊपर वालों को भी लगेगा वैक्सीन। कोविन और आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही आई दिक्कतें, ज्यादा ट्रैफिक की वजह से रजिस्ट्रेशन में दिक्कत। दिल्ली हाईकोर्ट ने रेमडेसिविर पर दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, केजरीवाल सरकार ने 2500 वॉल्स मिलने का किया था दावा, मिले थे 52,000 वॉल्स। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार, कहा 480 मेट्रिक टन ऑक्सीजन कब देगा केंद्र, एक भी दिन नहीं हो पाया पर्याप्त ऑक्सीजन सप्लाई। हाईकोर्ट ने लोगों से कहा, दवाओं और ऑक्सीजन सिलेंडर की लोग न करें कालाबाजारी। दवाओं की कालाबाजारी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, रेमडेसिविर समेत दवाओं की क्यों हो रही है कालाबाजारी, सही तरीके से दवाओं का नहीं हो पा रहा है वितरण। कांग्रेस ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की मांग की, कहा कोरोना संकट में दिल्ली सरकार पूरी तरह से नाकाम। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान, सूबे में नहीं है पर्याप्त वैक्सीन, 1 मई से नहीं हो सकेगा 18 प्लस से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन। राजेश टोपे ने की अपील, कहा सब रखें, पर्याप्त वैक्सीन मिलने पर होगा टीकाकरण। राजेश टोपे का बयान, कोविन ऐप पर एंट्री अनिवार्य होगी, सीधे टीकाकरण पर नहीं लगेगा वैक्सीन। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ाना तय, 15 दिन के लिए बढ़ सकता है लॉकडाउन। सीरम इंस्टीट्यूट ने राज्यों के लिए कोविशील्ड का दाम घटाया, आदर पूनावाला का ट्वीट, राज्यों को 300 रुपए में मिलेगी कोविशील्ड। बिहार में नहीं लगाया जाएगा लॉकडाउन, बिहार में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू, पूरे बिहार में लगाई धारा 144। बिहार की सभी दुकानें और दफ्तर शाम 4 बजे हो जाएंगे बंद, शादी में सिर्फ 50 लोगों को एंट्री। बिहार उद्योग विभाग के निदेशक पंकज कुमार की कोरोना से मौत, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया दुख। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 29,824 नए मामले, एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा 266 की जान गई। लखनऊ में कोरोना मरीजों की तादाद में कमी, 24 घंटे में कोरोना से 3,759 नए मरीज। प्रयागराज में कोरोना का कोहराम, 24 घंटे में 1,261 मरीज, कानपुर में 1,650 नए संक्रमित। यूपी में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में बनाया गया ऑक्सीजन कंट्रोल रूम। बरेली के नवाबगंज से बीजेपी विधायक केसर सिंह गंगवार की कोरोना से मौत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। टीएमसी उम्मीदवार काजल सिन्हा की कोरोना से मौत, परिजनों ने चुनाव आयोग के अफसरों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का दर्ज करवाया मामला। जम्मू कश्मीर के 11 जिलों में गुरुवार से लगेगा कर्फ्यू, शाम 7 बजे से सोमवार सुबह तक कर्फ्यू जारी। कोरोना को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन का फैसला, 29 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाकर शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक किया गया। लुधियाना में अभिनेता जिमी शेरगिल, निर्देशक ईश्वर निवास और 35 के खिलाफ केस दर्ज, शूटिंग के दौरान कोरोना के नियमों को तोड़ने का आरोप। देश में दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है कोरोना का कहर, पिछले 24 घंटे में कोरोना ने 3,293 लोगों की जान ली। 24 घंटे में कोरोना के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी, 3,60,960 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए।
देश में अब तक कोरोना महामारी से 2,01,187 लोगों की जा चुकी है जान। पिछले 24 घंटे में कोरोना से देश में 2,61,162 लोगों ने जीती जंग। बीमारी के बाद हुए स्वस्थ, लेकिन पीड़ितों की तुलना में यह आंकड़ा काफी कम। देश में अब तक 14,78,27,367 लोगों को लग चुका है कोरोना का टीका। गाजीपुर और सराय कालेखान से सामने आई दिल दहला देने वाली तस्वीरें। एक साथ किया जा रहा था 2,500 चिताओं का अंतिम संस्कार। दिल्ली में कम पड़ रही है शव जलाने की जगह, नई चिताओं के लिए बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा है आधार। दिल्ली में शमशान घाट में लगी एम्बुलेंस की कतार, शव लेकर शमशान पहुंच रही एम्बुलेंस का नहीं टूट रहा तांता। भीषण गर्मी के बीच शमशान में पीपी किट में एम्बुलेंस कर्मियों को करना पड़ रहा है घंटों इंतजार। 5-5 घंटे बाद शवों के अंतिम संस्कार की मिल पा रही है जगह। नहीं बन रही है चिताएं क्योंकि अंदर जलाने के लिए जगह नहीं है, तो इसलिए नहीं यहाँ पर बन रही है और कुछ वहाँ पर बनाई जा रही है। कोरोना के भीषण संकट से जूझती दिल्ली में उपराज्यपाल को सरकार का दर्जा, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। केंद्र सरकार ने जीएनसीटी एक्ट में संशोधन के आधार पर जारी की अधिसूचना। उपराज्यपाल को सरकार का दर्जा मिलने पर बढ़ सकता है सियासी टकराव। गुरुग्राम के पुष्पांजलि अस्पताल में ऑक्सीजन का संकट, मरीजों को डिस्चार्ज करने पर धरने पर बैठे परिजन। कोरोना संकट के बीच मुंबई के बीकेसी जंबो सेंटर पर वैक्सीन की कमी, निराश लौटे वरिष्ठ नागरिक। कोरोना संकट पर शंकर सिंह बघेला ने ट्वीट किया, अब की बार वोट नहीं, माफी मांगो सरकार। महाराष्ट्र में फिर अस्पताल में आग लगने से हुआ बड़ा हादसा, ठाणे के मुमरा में अस्पताल में आग लगने से 4 की मौत। मुमरा के प्राइम क्रिटिकल अस्पताल में आग लगने की वजह से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किए गए मरीज, इसी दौरान 4 मरीजों की गई जान। कल 3 कोविड पेशेंट की मृत्यु, 2 अति गंभीर। कल रात को ठाणे के दिया हॉस्पिटल में ऑक्सीजन समाप्त हो गया, ये क्या हो रहा है। जयपुर के खनाका अस्पताल में 4 कोरोना मरीजों की मौत, परिजनों ने ऑक्सीजन की कमी का आरोप लगाया। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन टैंकर पहुंचाकर दूर की गई ऑक्सीजन की कमी। प्रियंका गांधी ने कोरोना संकट पर लिखा फेसबुक पोस्ट, लिखा देश में सांसों के लिए चल रही है जंग, हम होंगे कामयाब। प्रियंका गांधी ने लखनऊ के मिरांडा अस्पताल में भेजा ऑक्सीजन टैंकर, कहा इस सरकार ने देश की उम्मीदों को तोड़ दिया है। यवतमाल में अस्पताल में कोरोना पीड़ित महिला की मौत पर बरपा हंगामा, परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़। वाराणसी में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी, बीकेयू का छात्र गिरफ्तार। रायसेन में ऑक्सीजन एक्सप्रेस से की गई अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई, ट्रेन से उतारे गए ऑक्सीजन टैंकर्स। गाजियाबाद के जिला अस्पताल में लैब टेक्नीशियन से मारपीट, लैब टेक्नीशियन ने दी धमकी, आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने पर रोक दी जाएगी कोरोना जांच। ऑक्सीजन की कमी से जूझते देश के लिए बोकारो ऑक्सीजन प्लांट के कर्मचारी बन रहे मददगार, प्लांट में 24 घंटे हो रहा वैक्सीनेशन ऑक्सीजन का उत्पादन। दिल्ली पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पंजाबी बाग इलाके से हुई गिरफ्तारी। राजस्थान की बूंदी में वक्त पर नहीं मिल पा रहा बीमारों को इलाज, अस्पताल में डॉक्टरों के मौजूद नहीं रहने का आरोप। बेंगलुरु में 14 दिन की कोरोना पाबंदियों की वजह से यात्री परेशान, बस स्टैंड के बाहर दिन रात बिताने को मजबूर सैकड़ों लोग। यूपी के आगरा में हाईटेक कोविड कमांड सेंटर से लोगों को बड़ी उम्मीद, अस्पताल में बेड की कमी के बीच म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बढ़ाया मदद का हाथ। कोरोना रिटर्न्स ने ऑक्सीजन की दिक्कत के बीच महाराष्ट्र के नंदुरबार से अच्छी खबर, 5 ऑक्सीजन प्लांट में शुरू हुआ उत्पादन। भोपाल में कोरोना कर्फ्यू का बेहतर पालन, बाजार बंद, सड़कों पर नजर आए इक्का दुक्का लोग। त्रिपुरा में 5 विधायकों ने डीएम के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी को लिखा खत, शादी समारोह में छापामारी और मेहमानों से अभद्रता का लगाया आरोप, फौरन निलंबित करने की मांग। राजौरी में बड़े पैमाने पर प्री वैक्सीनेशन शुरू, बढ़ते कोरोना केस के मद्देनजर उठाया गया कदम। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज परिसर में मरीज की मौत पर बरपा हंगामा, हुई तोड़फोड़।
मरीज के परिजनों ने अस्पताल में लापरवाही का आरोप लगाया, कहा अस्पताल में कई दिनों तक पड़े रहते हैं शव। यूपी के महोबा में कोविड अस्पताल में तैनात डॉक्टर और नर्स पर दबंगों ने किया हमला, हुए फरार। यूपी के जौनपुर में साइकिल से पत्नी का शव ले जाने को मजबूर हुआ पति, नहीं मिली मदद। हुगली में कोरोना पीड़ित की अस्पताल में मौत, परिजनों ने किया हंगामा। जौनपुर में अस्पताल में उमड़े मतगणना अभिकर्ता, टेस्ट कराने के लिए पहुंचे लोगों ने तोड़े कोरोना के सारे नियम। यूपी के मुजफ्फरनगर में ऑक्सीजन की भारी किल्लत, कतारों में दिखे बेबस लोग। मेरठ में दिखी भाईचारे की मिसाल, कोविड पॉजिटिव महिला की मौत के बाद मुसलमानों ने अर्थी को दिया कंधा। मध्य प्रदेश के धार में इंजीनियर की अनोखी पहल, मदद के लिए बाइक को बना दी एम्बुलेंस। जयपुर में फर्जी कोरोना रिपोर्ट बनाने वाले दो शख्स गिरफ्तार, सैंपल कलेक्शन का काम करते थे कर्मचारी। करगांव में गांव वालों ने खुद से शुरू किया जान बचाने का काम, चंदा इकट्ठा करके जुटाई ऑक्सीजन और बायोकेमिस्ट एनालाइजर मशीन। अंबाला में एक छोटे व्यवसायी ने कायम की इंसानियत की मिसाल, स्वास्थ्य विभाग को प्रतिदिन 700 सिलेंडर ऑक्सीजन देने की पेशकश। झारखंड के बुखारों से अपने दोस्त के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर गाजियाबाद पहुंचा दोस्त, बीमार दोस्त को गाजियाबाद में थी ऑक्सीजन की जरूरत। लखनऊ में लोगों की मदद के लिए बनाया गया ऑक्सीजन बैंक, जरूरतमंदों को मुफ्त दिया जाता सिलेंडर। जालंधर में ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, एक ऑक्सीजन सिलेंडर 18,600 का बेच रहा था आरोपी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।